तो भाई आज मैं आपको पांच ऐसे रीजंस दूंगा कि आपको R15 को ना लेकर स्प्लेंडर लेना चाहिए। गाइस सबसे पहली चीज है, अगर आप इस बाइक की एक बार टंकी फुल करा दोगे ना तो तकरीबन एक महीना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी चलानी है चलाओ, फ्यूल के बारे में भूल जाओ, बट उसमें ऐसा नहीं है। दूसरा कारण, अगर वो बाइक कहीं गिरती है तो भाई उसमें बचेगा कुछ नहीं, और अगर ये बाइक कहीं गिरती है तो इसका जाएगा कुछ नहीं भाई। तीसरा रीजन गाइस, इसमें आप बहुत मुश्किल से दो बंदे बिठा सकते हो, जो आपके पीछे गर्लफ्रेंड बैठेगी वो बहुत परेशान हो जाएगी। इसमें आप अपनी दो दो गर्लफ्रेंड्स बिठा सकते हो अगर आप में हिम्मत है तो। जो R15 V3 है वो बहुत ज्यादा खर्चा करा सकती है इन टर्म्स ऑफ सर्विस, बट भाई इसको कुछ ऐसी जरूरत नहीं है, बहुत सस्ती सी सर्विस है, 300-400 में 500 में सर्विस हो जाती है आपकी, एंड यू आर गुड टू गो। और गाइस पांचवा रीजन जो सबसे जरूरी है कि भाई ये बाइक लोगे तो आपके घर वाले आपसे खुश रहेंगे, उनको भी लगेगा कि आपने बाइक लिया, अदरवाइज मेरी तरह अगर वो ले लोगे तो भाई गालियां ही पड़ेंगी। जल्दी से नीचे सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए।